हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, जिसको कैपलर्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में है ना हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस किया है। वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो गैलीलियो, इनके पहले जितने भी साइंटिस्ट होकर गए, ठीक है, तो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया था प्लानट के बारे में वो क्या थी, या फिर जो भी उन्होंने बताया, ठीक है, वो सब उन्होंने नेकेड आइट से बताया हुआ था, सब नेकेड आइट से बताया था। और उसके बाद, ठीक है, ये लोगों ने जो बताया ये सभी डाटा वगैरह के, डाटा इंफॉर्मेशन के ऊपर ऑब्जर्वेशन करने के बाद कैपलर क्या होते हैं, एक कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं कि उन्हें समझ में आता है और उन्हें ऐसा लगता है कि जो प्लानेट है वो कुछ लॉस फॉलो करते हैं। जो वो रेवोल्यूशन करते हैं सन के अराउंड में, तो कुछ लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है, और लॉ फॉलो करते हैं। और इसके ऊपर ही उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर ही उन्होंने अपने 3 लॉ बता दिए, उसके स्टेटमेंट दिए, ठीक है, जिसको ही हम कैपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन के नाम से जानते हैं, या फिर कैपलर्स लॉ कहते हैं उसे, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट वन बाय वन देखते हैं उनके 3 लॉस क्या है और उसको समझते हैं, ठीक है। तो पहला देखो, फर्स्ट जो लॉ है हमने यहाँ पर लिख रखा है, कैपलर फर्स्ट लॉ, ठीक है, ठीक है। उसका स्टेटमेंट क्या है कैपलर लॉ का, फर्स्ट लॉ का, कैपलर का स्टेटमेंट क्या है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लानट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, ठीक है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लानट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक वर्ड है इलिप्स, तो हम पहले समझ लेते हैं इलिप्स क्या है, फिर फर्स्ट स्टेटमेंट को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। देखिए, तो ये रहा, हम इसे समझते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, हाउ यू अंडरस्टूड हेयर, हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है। सपोज करो वी हैव टू मेक हियर वन सर्कल, हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, हमने इसे ऊपर से प्रेशराइज किया, हमने इसे बॉटम नीचे से प्रेशराइज किया। जब हम इसे प्रेशराइज करेंगे, देखिए हमने यहाँ से प्रेशराइज किया और हमने यहाँ से प्रेशराइज किया, ठीक है, अपर साइड से किया और बॉटम साइड से किया है, लोअर साइड से, ठीक है। तो क्या होगा, ये यहाँ भागेगा, ठीक है, इसका पोर्शन, और यहाँ भागेगा क्योंकि यहाँ जगह मिल रही है इसे। सपोज करो स्पंज एक लिया आपने, स्पंज का बॉल, और उसे आपने इसे प्रेशराइज किया, तो जो उसका पोर्शन रहेगा वो यहाँ पर भागेगा और यहाँ पर भागेगा, ठीक है, स्पंज है, स्पंज का बॉल। ऐसे आपने ऊपर से प्रेशराइज किया, ऊपर से, तो उसका पोर्शन यहाँ पर भागेगा इस साइड, और इस साइड भागने वाला है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी इसको जब आप प्रेशराइज करोगे, ठीक है, तो ये यहाँ पर भागेगा और यहाँ पर भागेगा, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर शेप है, ये सर्कुलर शेप ना रहकर कुछ और शेप बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हो कौन सा शेप बन जाएगा, तो वो कुछ बन जाएगा इस तरह, ठीक है, ये तो सर्कुलर शेप ना रहकर कुछ और शेप बन जाएगा, और वो शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और इसी शेप को हम लोग इलिप्स कहते हैं, ठीक है। तो इलिप्स में बेसिकली यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि 2 एक्सिस हम लोग यूज़ करते हैं ग्राफ वगैरह में, तो यहाँ पर कुछ 2 एक्सिस की तरह है, ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये क्या है, वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। अब यहाँ पर, ठीक है, ये हमने सपोज किया ये सेंटर है एलिप्स का, ठीक है, ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उसे अगर हमने ए बोला, ठीक है, सपोज किया हमने, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस ए है, क्यों, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, सेम होते, तो ये ए है तो ये भी ए होगा, और ये दोनों को जब भी हम मिला देंगे, सम कर देंगे इनका, तो हमें मिल जाएगा, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है, ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2a। और इस पूरे एक्सिस को हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, पूरे एक्सिस को, ये 2a को, पूरे एक्सिस को मेजर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। जब ये दोनों a को मिला देंगे हमें इतना पोर्शन पूरा, ठीक है, इसको हम मेलो
इस पूरे एक्सिस को हम लोग मेजर एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। ये पूरा एक्सिस, ये जो ए और ये पोर्शन, ये हाफ पोर्शन और ये हाफ पोर्शन, ए प्लस ए 2a हो जाता है, और ये 2a को ही हम क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। जो और ये जेंटल एक्सिस है वो पूरे एक्सिस को हम लोग बोलेंगे मेजर एक्सिस, ठीक है। और इसका अगर हमने हाफ पोर्शन कंसिडर किया, तो अगर हमने ये पोर्शन कंसिडर किया ये ए वाला, तो इसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मतलब हमें पता है सेमी क्या होता है, हाफ, हाफ होता है। तो ये हमने पूरे मेजर एक्सिस का हाफ लिया, इसके लिए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है। तो वैसे ही वर्टिकल में भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी दोनों इक्विवेलेंट है, इसकी तरह सेम एरिया से, तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, और ये दोनों को हमने मिला दिया तो हमें मिलेगा 2b। दोनों को मिलाया है हमने तो हमें 2b मिलेगा, और इस 2b टोटल को हम क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा होगा ये मेजर एक्सिस बड़ा एरिया है, इसके लिए मेजर एक्सिस, और ये माइनर एक्सिस छोटा एरिया है, इसके लिए माइनर एक्सिस, और ये माइनर एक्सिस है, ठीक है। तो ये पूरे को हमने माइनर एक्सिस बोला, और ये जो हाफ रहेगा इसका, इसको हम लोग बोलेंगे, आपको समझ में आ गया होगा, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, सेमी माइनर एक्सिस। तो आपको एक पॉइंट रह गया, इलिप्स में दो फोकस होते हैं, एक इस साइड होता है और एक इस साइड होता है, सेंटर पे नहीं, ठीक है। तो आइदर साइड में क्या होते हैं, फोकस होते हैं, एक लेफ्ट लेफ्ट साइड में होता है और एक राइट साइड में। इसे अगर हमने F1 बोला तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F2। अब किसे भी F1 या F2 क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। आइदर इसको हमने F2 बोला तो यहाँ पर हमने इसको F1 कंसीडर कर लिया और इसको F2 कंसीडर कर लिया, तो आप किसे भी F1 या F2 कंसीडर कर सकते हो। तो एलिप्स में बेसिकली क्या होता है, दो फोकस होते हैं F1 या F2। फिर हमने देखा कि जो उसका हॉरिजेंटल एक्सिस है उस टोटल एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस बोलते हैं। उसके हाफ पोर्शन को हमने ले लिया तो क्या होता है, वो सेमी मेजर एक्सिस होता है, और दोनों सेमी मेजर एक्सिस क्या होते हैं, एक दूसरे को इक्विवेलेंट होते हैं, सेम एरियाज होते हैं। वैसे हमने वर्टिकल एक्सिस पे क्या देखा, उसे हम टोटल को क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। हाफ आप एरियाज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी माइनर एक्सिस। दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। और हमने क्या देखा कि जो एलिप्स है उसमें दो फोकस होते हैं, एफ वन और एफ टू, ठीक है। आप दोनों साइड में से किसी भी साइड में एफ वन या एफ टू फोकस बोल सकते हो, किसे भी एफ वन या किसी भी फोकस को एफ वन या एफ टू आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा बेसिकली एलिप्स के बारे में। अब हम चलते हैं फर्स्ट लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट हम लोग देख रहे थे, वहाँ पर एलिप्स आया तो हमने एलिप्स समझा क्या है, अभी हम यहाँ पर देखते हैं, अब हमें समझ में आएगा क्या, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, ठीक है। ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट क्या आपको पता है, ठीक है। तो प्लैनेट का ऑर्बिट, अब ऑर्बिट क्या है, हम लोगों को पता है, सुना है, हम लोगों ने पढ़ा है क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, उसको हम नथिंग बट क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं, ठीक है, शेल बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं उसे, ठीक है, हम उसे शेल बोलते हैं। तो ये जो शेल है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड में रेवोल्यूशन कर रहा है अपने सेल में, तो वो सर्कुलर, सर्कुलर शेल हो गया उसका, ठीक है, जो भी हुआ। तो वैसे ही जो प्लैनेट है, प्लैनेट के बारे में बोला, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, प्लैनेट का जो ऑर्बिट है इज एन एलिप्स, वो एलिप्स है। आप लोगों को पता था क्या कि जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड में रेवोल्यूशन करता है, वो जो उसका रेवोल्यूशन करने का पाथ है, ठीक है, जो डिस्टेंस कवर्ड करता है, कवर करता है, वो क्या है, सर्कुलर है। लेकिन जो कैपलर है, सभी चीज़ों को देखने के बाद कैपलर को क्या पता लगा, कैपलर को समझ में आया कि जो प्लैनेट का ऑर्बिट है वो सर्कुलर ना होकर क्या है, एलिप्स है, एलिप्स शेप का है, ऐसे कैपलर को समझ में आया। और उसके ऊपर उन्होंने फर्स्ट लॉ दिया हुआ है क्या, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स।
जो ऑर्बिट प्लैनेट का वो क्या होता है, इलिप्स होता है इसे, ठीक है, ओवल शेप होता है, इलिप्टिकल शेप होता है, अंडाकार होता है ऐसा। और विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, ठीक है, फोकाई फोसाई है ना, जैसा आप प्रोनाउंसिएट करते हो, ठीक है, विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, जो सन होगा वो किसी दोनों में से एक फोकस पे लाया करेगा, ठीक है, दोनों में से एक। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि इसी फेस इसी फोकस पे होना चाहिए या फिर इसी फोकस पे होना चाहिए, दोनों में से किसी भी फोकस पे वो लाए करेगा, लेकिन एक फोकस पे वो क्या करेगा, लाए करेगा। तो ये कैप्लर का क्या है, फर्स्ट लॉ है, ठीक है। हमने बोला फर्स्ट लॉ में द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट मीन्स जिसमें प्लैनेट क्या करने वाला है, रेवोल्यूशन करने वाला है, किसके अराउंड में, सन के अराउंड में रेवोल्यूशन करने वाला है, या सन के अराउंड में, यहाँ पर सन है तो उसके अराउंड में रेवोल्यूशन करेगा, यहाँ पर भी सन है तो उसके अराउंड में भी क्या करेगा, रेवोल्यूशन करेगा। तो हमें समझ में आया क्या, जो ऑर्बिट है प्लानट का उसमें सन रेवोल्यूशन करेगा, लेकिन ऑर्बिट जो प्लानट है, ऑर्बिट जो प्लानट का है वो क्या है, इलिप्स है, इलिप्टिकल शेप है, ऐसे ओवल शेप है, विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। सन जो है या तो इधर इस साइड है या तो इधर इस साइड है, और वो फोकस के ऊपर है, और प्लैनेट क्या कर रहा है, उसका रेवोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। ये कैप्लर ने बताया, और बेसिकली बताया फर्स्ट लॉ से कि जो ऑर्बिट है प्लैनेट का अराउंड द सन वो क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इट इज़ अ नॉट सर्कुलर, इट इज़ अ इलिप्टिकल ओवल शेप, ठीक है। तो ये था बेसिकली कैप्लर का फर्स्ट लॉ, ठीक है, क्लियर है। तो कैप्लर ने फर्स्ट लॉ में यही बताया कि इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है और सन एक फोकस पे होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। अभी हम मूव करेंगे कैप्लर के सेकेंड लॉ की तरफ। हम लोग कहाँ मूव करेंगे, कैप्लर की सेकेंड लॉ की तरफ। तो देखते हैं सेकेंड लॉ क्या, तो हम देखते हैं कैप्लर के सेकेंड लॉ को, ठीक है। तो कैप्लर का जो सेकेंड लॉ है वो बेसिकली बोलता क्या है, ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, बोला है द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, ठीक है, ऐसा लाइन जो प्लैनेट और सन को क्या करता है, ज्वाइन करता है, उनको कनेक्ट करता है। तो हम लोगों ने बेसिकली इलिप्स को देखा, तो इलिप्स है ये कुछ, यहाँ पर एक फोकस हमने ले लिया, उस पर सन है, ठीक है, सन है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने जो ए और बी दिखाया है पोजीशन, ठीक है, तो जो प्लैनेट था पहले इस पोजीशन पे था, उसको हमने ए नाम दिया। जब वो रोटेट होगा, रेवोल्यूशन करेगा अराउंड द सन, तो वो ए से कहाँ चले गया, बी पर चले गया, ठीक है, ऐसा हुआ। तो सन और ये प्लैनेट, प्लैनेट पहले यहाँ पर था, बाद में यहाँ पर चले गया रोटेट होकर, ठीक है, ये ए से ऐसे रोटेट होते वो बी पर चले गया, यहाँ से वो रोटेट होते, ठीक है, यहाँ से रोटेट होते वो यहाँ पर चले गया, ठीक है, रोटेट होते यहाँ पर चले गया। तो ए पोजीशन से वो कहाँ चले गया, बी पोजीशन पे चले गया, और बोला क्या, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन। तो देखो लाइन, लाइन कौन सी प्लैनेट और सन को जोड़ रही है, तो ये रहा प्लैनेट हमारा और ये रहा हमारा सन। अगर हमने बोल दिया ये पी हमारा प्लैनेट है, ठीक है, हमारा पी प्लैनेट है, यहाँ पर बी पोजीशन के लिए लिया है हमने, ये बी पोजीशन के लिए ये हमारा प्लैनेट है, ठीक है। तो प्लैनेट और सन को हमें दिख रहा होगा कि कौन सी लाइन जोड़ रही है, तो प्लैनेट और सन को ये लाइन जोड़ रही है, ये लाइन ज्वाइनिंग है प्लैनेट और सन को। तो वही स्टेटमेंट भी बोला है, ये एस ए और एस बी, या फिर बी एस और ए एस, तो द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, सन और प्लैनेट को जो लाइन जोड़ रही है, कनेक्ट कर रही है, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, वो क्या करती है, इक्वल एरिया कवर करती है, स्वीप्स करना मतलब एरिया कवर करना, तो इक्वल एरिया कवर करती है इक्वल टाइम में, ठीक है, क्या करती है, इक्वल एरिया कवर इन इक्वल टाइम, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम मीन्स क्या, इक्वल एरिया कवर करता है और एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स जो टाइम लग रहा है एरिया कवर करने के लिए वो क्या लगेगा, सेम लगेगा, जो भी एरिया कवर करेगा, हर एक एरिया को कवर करने के लिए प्लैनेट को अराउंड द सन सेम टाइम लगने वाला है, इसलिए बोला है स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। हम समझते हैं इसको, यहाँ पर देखो एक हमने इलिप्स का डायग्राम बनाया, यहाँ पर एक एरिया कुछ ऐसे है, ये दो फोकस हमने दिखाए, ये AF1 AF2, ये पहला एरिया हो गया, हमने यहाँ पर कुछ ऐसे बना दिया इसको, ये हमारा पहला एरिया हो गया, ये हमारा F1,
ये F2 और ये A, ये हमारा फर्स्ट एरिया हो गया, ठीक है। फिर सेकेंड एरिया कुछ ऐसा है, सेकेंड एरिया कुछ ऐसा है ये B, तो ये हमारा क्या हो गया, देखो ये वाला एरिया BF1 और BF2। और थर्ड एरिया कुछ ऐसा है, थर्ड एरिया यहाँ पर, तो थर्ड एरिया यहाँ पर, ठीक है, थर्ड एरिया कुछ ऐसा है, यहाँ से ऐसा है, ठीक है। तो ये नाम है सी, तो CF1 और CF2, तो ये तीनों जो एरिया है, हमने सपोज़ किया कि फर्स्ट वाला एरिया A1 है, सेकेंड वाला A2 है और थर्ड वाला A3 है। तो ये जो A1, A2, A3 एरियाज है, ठीक है, A1, A2, A3 एरियाज है, इनको कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, सेम लगेगा। हमने सपोज़ किया कि A1 ने 1 सेकेंड लिया कवर करने के लिए एरिया, ठीक है। तो ये A2 और A3 भी कितना सेकेंड लेगा, 1 सेकेंड ही लेगा, तब जाके हमारा स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, स्टेटमेंट क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, इक्वल एरिया स्वीप्स आउट इन इक्वल टाइम। तो टाइम सबका क्या रहेगा, सेम। अगर A1 ने 1 सेकेंड लिया तो A2 भी कितना लेगा, 1 सेकेंड, A2 भी 1 सेकेंड लेगा और A3 भी 1 सेकेंड लेगा, और A1, A2, A3 सब एक दूसरे को क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं हियर A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3। और यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, तो हम ये भी बोल सकते हैं T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, बराबर। हम ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, ठीक है, T1, T2 और T3 बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरलॉक टाइम का मीन क्या है, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरलॉक टाइम, ठीक है। तो हमने स्टेटमेंट कहाँ से देखा, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट ऑफ एंड सन, ठीक है, सन और प्लैनेट को जोड़ने वाली जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन प्लैनेट को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, जोड़ रही है, तो लाइन ज्वाइनिंग ये हो गई, ठीक है। तो द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरलॉक टाइम, तो इक्वल एरिया कवर करती है इक्वल इंटरलॉक टाइम में। यहाँ पर समझना है तो हम कैसे समझेंगे, तो देखो प्लैनेट कहाँ था, पहले ए पोजीशन पे था, वो रोटेट होते हुए कहाँ पर गया, बी पोजीशन पे चले गया। तो हम बोल सकते हैं कि प्लैनेट ने एरिया कितना कवर किया है, इतना एरिया कवर किया है, ठीक है, ये फर्स्ट एरिया हो गया, इसको हमने कंसिडर किया एज अ A1 एरिया, A1 हमने बोल दिया फर्स्ट एरिया, ठीक है। यहाँ पर प्लैनेट रोटेट होते होते यहाँ पर सी पोजीशन पे आया और आफ्टर दैट वो डी पोजीशन पे चलेगा, तो ये भी एक हमने एरिया कवर किया है, सेकेंड एरिया, जिसको हमने बोला A2, ठीक है। और वो फर्दर मूव होते होते ई पोजीशन पे आया और फर्दर मूव होकर एफ पोजीशन पे, हमने थर्ड एरिया कवर किया है, जिसको हमने बोला A3, इसको हमने बोला A3, ठीक है। तो यहाँ पर थ्री एरियाज हमने कंसीडर किए, A1, A2, A3, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे कैप्लर का सेकेंड लॉ हो, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, आप बोलोगे ठीक है ये बड़ा एरिया लग रहा है, ये उससे थोड़ा सा छोटा है, और ये एरिया उससे भी क्या हो रहा है, और छोटा लग रहा है, ठीक है, ये एरिया जो है फर्स्ट एरिया ये बड़ा एरिया लग रहा है, और ये सेकेंड जो है वो उससे थोड़ा सा स्मॉलर है, छोटा है थोड़ा, और ये और ज़्यादा छोटा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक चीज़ नोटिस करें, वन थिंग अगर हम यहाँ पर नोटिस करें, तो जो ये फर्स्ट एरिया है इसका ब्रॉडनेस क्या है, ज़्यादा है। अगर आप नोटिस कर पाओ तो देखिए इसका ब्रॉडनेस क्या है, ज़्यादा है, जबकि इसका एक्सटेंशन क्या है, कम है, ठीक है, एक्सटेंशन कम है। और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, इसका ब्रॉडनेस, इसका ब्रॉडनेस कम है, लेकिन एक्सटेंशन क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो हमें यहाँ पर, ठीक है, हम नोटिस कर पा रहे हैं, हम नोटिस क्या कर पा रहे हैं कि हमें दिख रहा है कि जैसे ही प्लैनेट क्या हो रहा है, सन से दूर जा रहा है, उसका एक्सटेंशन क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, जबकि ब्रॉडनेस क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, ठीक है। तो
ये एक्सटेंशन देखो बड़ा हुआ नज़र आ रहा है आपको इसके कंपैरिजन में, फर्स्ट एरिया के कंपैरिजन में, और सेकेंड एरिया में एक्सटेंशन बढ़ गया है और सेकेंड एरिया में जो ब्रॉडनेस है वो कम हो गया है। सो बेसिकली हमने यहाँ पर ये A1 एरिया में क्या देखा कि इसका जो एक्सटेंशन है ये कम है और ब्रॉडनेस क्या है ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही प्लैनेट क्या हो रहा है, सन से दूर आ रहा है, डिस्टेंस पे जा रहा है, वैसे उसका ब्रॉडनेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और एक्सटेंशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब वो प्लैनेट सन से दूर आ रहा है तो उसका ब्रॉडनेस क्या हो रहा है, और कम हो रहा है, ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, और एक्सटेंशन क्या हो जा रहा है, उसका बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या है कि जब भी प्लैनेट जो है वो सन के नियर बाय होता है तो उसका स्पीड क्या होता है, फास्टर होता है एज़ कंपेरिजन टू जब प्लैनेट अवे होता है सन से। तो ऐसा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लैनेट यहाँ पर था तो ज़्यादा उसने डिस्टेंस कवर किया है, मीन यहाँ पर उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जब वो यहाँ पर दूर है ना, जैसे ही वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे गया तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग डिस्टेंस थोड़ा, ब्रॉडनेस क्या हो गई है, कम हो गई है, मीन्स जो प्लैनेट है उसकी स्पीड क्या हो रही है, स्पीड कम हुई है। और दूर जाता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, और कम हो जाती है, इसके लिए डिस्टेंस क्या करता है, कम करता है। देखो अगर सेकेंड लॉ ये सेटिस्फाई होता है, ठीक है, तो इस कंसेप्ट के हिसाब से क्या होता है, वो सेटिस्फाई होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एरिया A1 है, A2 है और A3 है, ये तीनों एरिया आपस में क्या होंगे, एक दूसरे को इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो इसका ब्रॉडनेस है, ठीक है, तो फर्स्ट का ब्रॉडनेस ज़्यादा है और सेकेंड थर्ड का उससे कम होते गया, लेकिन एक्सटेंशन क्या कर रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है। तो एक्सटेंशन और ब्रॉडनेस ये दोनों को अगर हम लेते हैं, ठीक है, कंसेप्ट इनका लेते हैं, तो हम देखते हैं क्या कि इनका, ठीक है, एक्सटेंशन और ब्रॉडनेस इनका हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें तीनों एरियाज़ क्या मिलते हैं, सेम मिलते हैं, ठीक है। इसके लिए हम बोलेंगे यहाँ पर कि जो एरियाज हैं, कौन से एरिया, A1, A2 और A3, ये आपस में एक दूसरे को क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हम टाइम क्या बोलेंगे यहाँ पर, T1, ठीक है, T1, T2 और T3 आपस में इक्वल होगा, तब हम बोल सकते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। अगर T1, T2, T3, अगर हमने ये A1 बोल रहे थे, A1 एरिया, तो अगर इसने हमने बोला 2 सेकेंड लिया है तो A2 भी 2 सेकेंड लेगा और A3 भी 2 सेकेंड लेगा, तब हम बोलेंगे कि टाइम इंटरवल क्या है, तब हम बोलेंगे टाइम इंटरवल सेम है और जो एरिया है वो A1, A2, A3 भी जो कवर हुआ है प्लैनेट ने किया है वो भी क्या है, सेम है। तो सेकेंड लॉ बेसिकली यही बोलता है कि द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट सन और प्लैनेट एंड सन, ठीक है, तो सन और प्लैनेट को जो लाइन जोड़ती है, कौन सी लाइन जोड़ रही है, ये लाइन जोड़ रही है, ये जो हमने दिखाया है, ठीक है, तो स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो एरिया कवर करती है वो इक्वल टाइम में कवर करती है, और इक्वल टाइम में कवर करती है तो एरिया भी क्या होता है, सेम होता है। तो जितना भी एरिया कवर करेगा प्लैनेट वो सभी एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे और टाइम क्या लेगा, सेम लेगा, यही यहाँ पर ही हमने देखा था। तो ये बेसिकली था हमारा केपलर का सेकेंड लॉ, ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारा केपलर का सेकेंड लॉ। अब हम मूव करेंगे केपलर की थर्ड लॉ की तरफ, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि केपलर का थर्ड लॉ क्या है, ठीक है, तो अब हम देखते हैं केपलर का थर्ड लॉ, ठीक है, केपलर का थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। पीरियड आप लोगों को पता है कि पीरियड क्या होता है, पीरियड को हम लोग नॉर्मली, ठीक है, पीरियड जो है उसको नॉर्मली, पीरियड को हम लोग नॉर्मली कैपिटल लेटर T से इंडिकेट करते हैं, और हम लोगों को पता है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब क्या, कि अगर एक कोई प्लैनेट, ठीक है, सन का रेवोल्यूशन कर रहा है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपने सेंटर का, या फिर हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस का क्या कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है, तो उसको वन सर्कल पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है, वो हो गया उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन T हमने बोला, तो यहाँ पर प्लैनेट को ये वन, ठीक है, साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। तो बोला क्या था, स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड, ठीक है, स्क्वायर ऑफ पीरियड मतलब T का स्क्वायर, तो हमने लिखा T का स्क्वायर ऑफ रेवोल्यूशन, पीरियड ऑफ, तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मीन्स हमने बोला T का स्क्वायर। फिर आगे बोला है अराउंड द सन, किसके अराउंड में वो घूमेगा,
सन के अराउंड में घूमेगा। तो हमने देखा था स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड दी सन। तो पीरियड का क्या, जो प्लानट है वो रेवोल्यूशन करेगा तो टाइम कुछ लगेगा, तो वो टाइम क्या है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो उसका स्क्वायर अराउंड दी सन, उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मेन डिस्टेंस ऑफ अ प्लानट फ्रॉम द सन, क्यूब ऑफ मेन डिस्टेंस, ठीक है। तो मेन डिस्टेंस यहाँ पर क्या लिया है, आर कंसिडर किया है, उसका क्यूब। तो मेन डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, आर लिया है, मेन डिस्टेंस आर कंसिडर किया है। तो बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा, पीरियड का स्क्वायर क्यूब ऑफ मेन डिस्टेंस, क्यूब मीन्स आर का क्यूब हो जाएगा, मेन डिस्टेंस अगर हमने आर बोला तो उसका, ठीक है, क्यूब बोला है तो आर का क्यूब हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ अ प्लानट फ्रॉम दिस सन, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। एक्चुअल में यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों को, एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पर हमने ये जो लॉ है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, वो सेमी मेजर एक्सिस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और सेमी मेजर एक्सिस क्या है आपको पता है, ये मेजर एक्सिस टोटल है, ठीक है, ये टोटल मेजर एक्सिस है ये। तो ये हाफ क्या है, इतना सेमी मेजर एक्सिस है, क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो पीरियड, स्क्वायर ऑफ पीरियड है किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ पीरियड ये सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हमने आर का क्यूब लिखा है और यहाँ पर ए लिखा है, तो अगर हम यहाँ पर आर लिखते तो ये क्या हो जाएगा, हमारे बुक के स्टेटमेंट के हिसाब से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, तो ये जो प्लैनेट रेवोल्यूशन करेगा, जो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, रेवोल्यूशन करने के लिए, तो वो क्या होगा, उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होगा अराउंड द सन, तो उसका स्क्वायर मीन्स टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है, प्लैनेट और सन के बीच में जो मीन डिस्टेंस है, ठीक है, उसके स्क्वायर को, उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कि सेमी मेजर एक्सिस के स्क्वायर को, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब को क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उससे हम क्या लिखते हैं, टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हम लोगों ने डिस्कस किया है या फिर आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हमें रिमूव करना रहता है, ठीक है, तो हम वहाँ पर एक कॉन्स्टेंट ले लेते हैं और इक्वल टू साइन ले लेते हैं। तो हमने वही किया, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव किया और यहाँ पर एक इक्वल टू साइन ले लिया और कॉन्स्टेंट के ले लिया, ठीक है। अब आर यहाँ पर मल्टीप्लाई है के के साथ, तो यहाँ पर जाने के बाद क्या हो जाएगा, वो लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो गया तो हमें क्या मिला, टी का स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब इज इक्वल टू के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और इसी को हमने क्या लिखा है, देयरफॉर टी वन अपॉन आर वन, मीन्स क्या है कि जब हम यहाँ पर टी स्क्वायर और आर क्यूब का, या फिर हम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन के स्क्वायर का और, ठीक है, जब हम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन के स्क्वायर का, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन के स्क्वायर का और एवरेज डिस्टेंस मीन डिस्टेंस का क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, ठीक है, रेशो में दोनों का जब रेशो लेते हैं, पीरियड का, पीरियड के स्क्वायर का और मीन डिस्टेंस के क्यूब का, तो हमें जितना भी हम ये रेशो लेंगे वो क्या मिलता है, हमें वैल्यू कॉन्स्टेंट मिलती है, सेम मिलती है, वैल्यू कॉन्स्टेंट मिलती है, सेम मिलती है। इसलिए हमने लिखा टी वन अपॉन आर वन इज इक्वल टू टी टू अपॉन आर टू, फर्दर अगर हम लेते हैं टी टू टी थ्री अपॉन आर थ्री, तो जितने भी वैल्यू इनका रेशो जो रहेगा पीरियड और मीन डिस्टेंस का, वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, के होगा, ठीक है। तो ये बोलता है हमारा केपलर का थर्ड लॉ, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली थ्री लॉस देखे कैपलर्स के, फर्स्ट लॉ हमने देखा कैपलर का, सेकेंड लॉ देखा, थर्ड लॉ देखा। हम यहाँ पर एक चीज़ देख हमें, ठीक है, देखा जाए तो कैपलर का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम, कैपलर के फर्स्ट लॉ को, फर्स्ट लॉ, ठीक है, उसको लॉ ऑफ ऑर्बिट एंड सेकेंड लॉ उसको लॉ ऑफ, सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया एंड थर्ड लॉ
उसे हम लोग थर्ड को हम लोग लॉ ऑफ पीरियड कहते हैं। तो हमें याद रखना है कि फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ए ऑर्बिट, तो आपको ध्यान में रहेगा कि ऑर्बिट वाला लॉ। सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ एरिया, तो एरिया वाला लॉ। और थर्ड लॉ को लॉ ऑफ पीरियड, तो उसमें पीरियड आएगा। तो इससे आप इजीली लॉ को क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, रिमेंबर रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमने इस लेक्चर में कैपलस के 3 लॉ के बारे में देखा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट बॉक्स में है ना कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं उसकी उसके सॉल्यूशन को आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगा उसका। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताइए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।